नमस्कार। आज हम रेनॉल्ड्स फिनोमेना से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स कर रहे हैं। रेनॉल्ड्स फिनोमेना में बैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है वेसल्स का, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, दिस इज़ ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस और एक्सपोजर टू कोल्ड। यानी कौन सी डिजीज़ है जो कि स्ट्रेस या एक्सपोजर टू कोल्ड से कांटेक्ट में आते हैं तो होती है। तो इसका आंसर है रेनॉट फिनोमेना। स्ट्रेस की कंडीशन में और कोल्ड से जैसे एक्सपोजर होता है तो वैसे वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और उससे जो डिजीज़ होती है उसका नाम है रेनॉट्स फिनोमेना। सेकेंड क्वेश्चन है, पेशेंट विद रेनॉट्स डिसऑर्डर शुड अवॉइड इट बिकॉज इट कॉजेज बैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो निकोटीन या स्मोकिंग जो होती है उसमें जो निकोटीन पाया जाता है उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो बैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और इसकी कंडीशन को और ज़्यादा वर्सन करता है, बिगाड़ता है। थर्ड क्वेश्चन है, एंडोक्राइन डिजीज़ दैट कैन प्रीडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू रेनॉट फिनोमेना। ऐसी कौन सी एंडोक्राइन डिजीज़ है जो कि रेनॉट फिनोमेना आगे जाके रेनॉट फिनोमेना में प्रोग्रेस हो सकती है। तो इसका आंसर है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का जो पेशेंट है वो उसको रेनॉट्स फिनोमेना होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट कलर प्रोग्रेशन इन रेनॉट्स फिनोमेना। क्या क्या कलर प्रोग्रेशन होते हैं? तो पहले होता है वाइट, क्योंकि लैक ऑफ ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है वहाँ पर। सेकेंड पे होता है ब्लू, मीन्स ब्लड फ्लो हो रहा है लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कम ब्लड फ्लो है। एंड थर्ड पे है रेड, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से ब्लड सप्लाई रिटर्न हो जाती है, ब्लड फ्लो रिटर्न हो जाता है, उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने लग जाता है और उसकी वजह से रेड कलर हो जाता है। तो कलर प्रोग्रेशन होगा पहले वाइट, देन ब्लू, देन रेड। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फिंगर्स इन्वॉल्व इन रेनॉट्स फिनोमेना। कौन कौन सी फिंगर इन्वॉल्व होती हैं रेनॉट फिनोमेना में? तो इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, ये थ्री फिंगर मेनली इसमें अफेक्टेड होती हैं। सिक्स क्वेश्चन है, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर रेनॉट्स फिनोमेना क्या होगा? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सेवन क्वेश्चन है, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वैसोडाइलेशन करते हैं इसलिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। सेवन क्वेश्चन है, रेनॉट फिनोमेना ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं? स्टॉप स्मोकिंग, प्रोटेक्टिव मेजर्स यानी कि कोल्ड, स्ट्रेस और इनसे बचना है। थर्ड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि वैसोडाइलेशन कॉज करता है। एट क्वेश्चन है, व्हाट टू मेडिकेशन शुड बी अवॉइडेड इन रेनॉट्स फिनोमेना पेशेंट। कौन सी दो मेडिकेशन है जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए यदि किसी पेशेंट को रेनॉट्स फिनोमेना है? तो इसका आंसर है डीकंजेस्टेंट एंड ट्रिप्टेंस। ये भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं इसीलिए ये दो मेडिकेशन अवॉइड करनी चाहिए। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।